से पूछता हूँ, एक बच्चा हूँ, जिद करके विश्वास से कहता हूँ, सुनिएगा, कि साथी हमारा कौन बनेगा, तुम ना सुनोगे तो कौन सुनेगा। अरे बाबा कहाँ जाऊँ, किससे कहूँ, किसी से मदद मांगने जाओगे अगर मदद कर देगा तो एक समय ऐसा आएगा कि आपको ताना जरूर मारेगा कि मैंने उस समय तेरी मदद करी थी, लेकिन इसके दरबार में आके जितना मांगोगे गलती करोगे तो भी माफ कर देगा, लेकिन हाथ नहीं छोड़ेगा। आज आए हो इतने समय तक, इतनी सर्दी में रुके हो, पूछ लेना अपने अपने भाव से कि बाबा तुम ना सुनोगे तो कौन सुनेगा, के साथी हमारा कौन बनेगा, तुम ना सुनोगे तो कौन सुनेगा, कौन सुनेगा। आओ जरा जो जो सुनाने आया है दिल की बात, जो जो विश्वास से आया है, अपने अपने भाव से, अब नहीं बोलूंगी ताली बजाओ, अब वही ताली बजाना जो सच्चे और श्रद्धा भाव से आया। आओ के साथी हमारा कौन बनेगा, साथी हमारा कौन बनेगा, और बाबा तुम ना सुनोगे तो कौन सुने, बोला तुम ना सुनोगे तो कौन सुने, जाना भाव से एक दो तीन बजाओ ताली, साथ में कह देना बाबा से, पूरे भाव से गा देना, आ गया दर पे तेरे सुनाई हो जाए, आ गया दर पे तेरे सुनाई हो जाए, और बाबा जिंदगी से दुखों की विदाई हो जाए, जिंदगी से दुखों की विदाई हो जाए, और कहता है बाबा से, बाबा पानी है सर से ऊपर मुसीबत अड़ गई है, पानी है सर से ऊपर
जिसको लगन लगी है वो हाथ उठाना। बाबा से किस किस को लगन लगी है? जिसके तार जुड़े हैं ताली बजाओ, ताली बजाओ धीमा धीमा। कहना ओ मेरे सर पे सदा तेरा हाथ रहे, मेरे सर पे सदा तेरा हाथ रहे, ओ मेरे सर पे सदा तेरा हाथ रहे, मेरे सर पे सदा तेरा हाथ रहे। ओ खाटू वाले तू हमेशा मेरे साथ रहे, खाटू वाले तू हमेशा मेरे साथ रहे, ओ लीले वाले तू हमेशा मेरे साथ रहे, ओ लीले वाले तू हमेशा मेरे साथ रहे। और प्रेमी कहता है बाबा ओ जैसे दीपक और बाती साथ रहे, जैसे दीपक और बाती साथ रहे, ओ मेरा सांवरा हमेशा मेरे साथ रहे, मेरा सांवरा हमेशा मेरे साथ रहे। जय हो, बोलो खाटू नरेश की। कीर्तन में गया हो लेकिन आज कीर्तन में बहुत लगन लगी हो, आनंद आया हो, ऐसा कौन कौन है जो जहां बाबा का कीर्तन होता है वहां चले जाते हैं? इधर वाले भी जाते हैं, ये नहीं सोचते कितना दूर है कितना पास है, अगर कोटा होगा तो कोटा भी चले जाएंगे। ये प्रेमी पता है क्यों जाते हैं? तुमसे मिलना, बातें करना, ओ बड़ा अच्छा लगता है। लगा पहले इतनी पूजा सेवन नहीं करता था, लेकिन जब से आपसे जुड़ा मुझे खुद समझ नहीं आता, आपकी तरफ खींचा चला जाता हूं। क्या है ये, क्यों है ये, क्या खबर क्यों, मगर जो भी है वो बड़ा अच्छा लगता है, वो बड़ा अच्छा लगता है। और एक प्रेमी जो जिंदगी भर चरणों की सेवा करता है, जैसे हमारे दरबार वाले भैया दिन रात भोग लगाते होंगे, सेवा करते होंगे, ऐसे मेरी माताएं बहनें घर में भोग लगाती होंगी, पूजा पाठ करती होंगी, भैया मंदिर जरूर जाते होंगे, कुछ भी काम धंधे पर गए पहले मंदिर गए, वो प्रेमी कहते हैं जिन्हें सच्ची लगन है। क्योंकि कलयुग में हर इंसान पूजा पाठ धर्म की ओर नहीं जा रहा, कुछ लोग हैं इधर जाते हैं तो कुछ इधर भी जाते हैं, लेकिन जो धर्म की तरफ है वो कहते हैं जब तक सांसें चलेगी, जब तक सांसें चलेगी तुझको चाहूंगा शाम। कहना मेरे साथ मर भी गया तो भी तुझे करूंगा मैं प्यार, ओ शाम मर भी गया तो भी तुझे करूंगा मैं प्यार। बोलो लक्ष्मीदास की। हाँ
में कह देना क्या कि तुम ना सुनोगे तो कौन सुनेगा, सामने आओगे हे बाबा श्याम सामने आओगे या आज भी पर्दा होगा कि सामने आओगे या आज भी पर्दा होगा। बड़े भाव से बुलाने आया हूँ बाबा, मुझे विश्वास है मैं बुलाऊंगा तो जरूर आओगे, क्योंकि प्रबल प्रेम के पाले पड़कर हरि को नियम बदलते देखा और अपना मान भले घट जाए भक्त का मान ना घटते देखा, भक्त का मान ना घटते देखा। प्रेमी रोता रोता बोला क्या कि मैंने मोहन को बुलाया है वो मोहन को बुलाया वो आता होगा, मैंने मोहन को बुलाया वो आता होगा। इतने लोग हैं, इतने लोग हैं दुनिया में, इतने लोग हिंदू धर्म सनातनी हैं जो भगवान को मानते हैं, सबके बुलाने से नहीं आता, अगर जिद करके बुलाओगे तो ही आएगा। जिद करो, अड़ो बाबा, करना पड़ेगा, नहीं तो लाइन में बहुत लोग धक्के खाते हैं। भाव तो प्रबल होने चाहिए, अंदर से आवाज आनी चाहिए, कहना कि मैंने मोहन को बुलाया है वो आता होगा। कौन कौन बाबा को बुलाना चाहता है, कौन कौन साथ में ताली बजाते हो, जो जो बुलाना चाहता है ना जिद करके बुलाना, कहना वो आता होगा, वो आता होगा, वो आता होगा, सच्ची लगन लगती है ना, जिसको कहते हैं कि सिर्फ बाबा दिख रहा है और मैं हूँ, इतने लोग हैं इस जगह में, पड़ोस में कौन बैठा है वो भी भूल जाओ, क्या बात कर रहा है वो भी भूल जाओ, अभी ये देखो मैं हूँ और मेरा बाप बैठा है, बस मुझे भजन सुनाना है, दुनिया की कोई परवाह नहीं है। आज सेवा करोगे फल मिलेगा, और जो फल की अपेक्षा से नहीं आए उनको बहुत कुछ अच्छा मिलेगा दुनिया में। प्रेमी कहता है बाबा मौत आती है तो आ जाए कोई गम नहीं, मौत आती है तो आ जाए कोई गम ही नहीं, मौत आती है तो आ जाए कोई गम ही नहीं, मौत आती है तो आ जाए
लड्डू नगरी पागल खाना है हम जैसे पागलों का। इसके पागल कहलाने में कोई गम भी नहीं है, हम तो हैं इसके प्यार में पागल। इसके नाम का कोई पागल कह दे तो खुश हो जाना कि मैंने सेवा करी जो पागल बोल गया मुझे बाबा के नाम का। प्रेमी कहता है कि वो पागल खाना है, सुनिएगा, वृंदावन और खाटू नगरी एक पागल खाना है, कि वो पागल खाना है। वहां पागल आते जाते हैं और दुनिया भर के सताए लोग वहां सीने से लगाए जाते हैं। जो मंदिर जाता है वो प्रेमी कहता है, सुनिएगा, कि मंदिर में रहते हो मोहन कभी बाहर भी आया जाया करो, मैं रोज तुम्हारे दर पर आता हूँ, ओ कभी तुम भी मेरे घर आया करो, कभी तुम भी मेरे घर आया करो, ओ कभी तुम भी मेरे। एक प्रेमी के दरबार में जाकर कहता है कि बाबा के इतना दिया मेरे श्याम ने मुझको, सुनिएगा, कि इतना दिया मेरे श्याम ने मुझको, उतनी तो मेरी औकात नहीं, और बाबा ये तो कृपा है खाटू वाले की मुझ पर, मुझ में तो कोई बात नहीं, मुझ में तो कोई बात नहीं, ओ मुझ में तो कोई बात नहीं, ओ मुझ में तो कोई बात नहीं। और सुनो, फिर जो पहले भी कीर्तन में गया हो लेकिन आज कीर्तन में बहुत लगन लगी हो, आनंद आया हो, ऐसा कौन कौन है जो जहां बाबा का कीर्तन होता है वहां चले जाते हैं? इधर वाले भी जाते हैं, ये नहीं सोचते कितना दूर है कितना पास है, अगर कोटा होगा तो कोटा भी चले जाएंगे। ये प्रेमी पता है क्यों जाते हैं? तुमसे मिलना, बातें करना, ओ बड़ा अच्छा लगता है, तुमसे मिलना, बातें करना, ओ बड़ा अच्छा लगता है। बाबा, मुझे तो समझ नहीं आता कि ये पागलपन मुझे कैसे लगा। पहले इतनी पूजा सेवन नहीं करता था लेकिन जब से आपसे जुड़ा मुझे खुद समझ नहीं आता, आपकी तरफ खींचा चला जाता हूँ। क्या है ये, क्यों है ये, क्या खबर, क्यों मगर, जो भी है जिंदगी भर चरणों की सेवा करता है, जैसे हमारे दरबार वाले भैया दिन रात भोग लगाते होंगे, सेवा करते होंगे, ऐसे मेरी माताएं बहनें घर में भोग लगाती होंगी, पूजा पाठ करती होंगी, भैया मंदिर जरूर जाते होंगे, कुछ भी काम धंधे पर गए पहले मंदिर गए। वो प्रेमी कहते हैं जिन्हें सच्ची लगन है, क्योंकि कलयुग में हर इंसान पूजा पाठ धर्म की ओर नहीं जा रहा, कुछ लोग हैं इधर जाते हैं तो कुछ इधर भी जाते हैं, लेकिन जो धर्म की तरफ है वो कहते हैं जब तक सांसें चलेगी, जब तक सांसें चलेगी, तुझको चाहूंगा शाम, कहना मेरे साथ, मर भी गया तो भी तुझे करूंगा मैं प्यार, ओ शाम, मर भी गया तो भी तुझे करूंगा मैं प्यार। बोलो
इस भजन की एक एक लाइन सुनना। अब ये जो भैया जिनमें अब जोश आया है, ये सारे बुलंद आवाज में कहेंगे बाबा से कि बाबा कहेंगे। अब फोन जेब में रख लो भैया, इस भजन को अच्छे से गाना, दिल से गाना, सबकी अर्जी पूरी होगी, ये मेरी गारंटी है। जिसके जैसे भाव होंगे बाबा उसको वैसा आशीर्वाद जरूर देंगे। कहना कि बाबा बोलो हारा हूँ बाबा और अरे जीतूंगा एक दिन। बाबा दुनिया से सुना तेरे दरबार में जो हार कर आता है वो कभी खाली हाथ नहीं जाता। मैं भी बच्चा बनकर आया हूँ, दुनिया की ठोकरें खा कर आया हूँ, मुझे विश्वास है आज हार कर आया हूँ लेकिन जीत कर। पानी है सर से ऊपर मुसीबत, कह दो पानी है मुसीबत बाबा आज हमको तुम्हारी जरूरत पड़ गई है। आज हमको तुम्हारी जरूरत और बाबा अरे एक नजर के बाकी कर दो मानूंगा एहसान, मैं तेरा मानूंगा एहसान। एक एक बच्चा, मुझे नहीं पता किसके जीवन में क्या परेशानी, लेकिन इतना पता है कि कोई तो ऐसा बैठा होगा जिसे आज बाबा तेरी बड़ी दरकार होगी, जिसके मन में भाव होगा कि वो तेरे दरबार में आए और उसका काम जरूर बने बाबा। एक एक प्रेमी की सुनना, क्योंकि संकट हमारा कौन हरेगा, संकट कौन हरेगा। और पूछ लो बाबा से कि बाबा माता है बहनों कह दो तुम ना सुनोगे तो। देखो मेरा विश्वास है इस भजन में अच्छे अच्छे प्रेमियों के काम बनाए हैं, जिसकी लगन लग रही हो ना इतनी सी, वो बोलना बाबा इतनी सी लगन लगी, ऐसा ऐसा दीवाना बना कि जब इस दुनिया से जाऊं तो आखिरी सांस पर भी तेरा नाम हो, ऐसा चाहते हो तो दोनों हाथ उठा लेना और समर्पण भाव से एक बार बोलो कीर्तन में बुलाने वाले के, दुखियों के दुख हरने वाले की साथी हमारा कौन बनेगा, साथी हमारा कौन बनेगा। तुम ना सुनो आया है, ये सारे बुलंद आवाज में कहेंगे बाबा से कि बाबा कहेंगे। अब फोन जेब में रख लो भैया, इस भजन को अच्छे से गाना, दिल से गाना, सबकी अर्जी पूरी होगी, ये मेरी गारंटी है। जिसके जैसे भाव होंगे बाबा उसको वैसा आशीर्वाद जरूर देंगे। कहना कि बाबा बोलो हारा हूँ बाबा और अरे जीतूंगा एक दिन। बाबा दुनिया से सुना तेरे दरबार में जो हार कर आता है वो कभी खाली हाथ नहीं जाता। मैं भी बच्चा बनकर आया हूँ, दुनिया की ठोकरें खा कर आया हूँ, मुझे विश्वास है आज हार कर आया हूँ लेकिन जीत कर जाऊंगा। अरे हारा हूँ बाबा पर तुझ में और बाबा जीतूंगा एक दिन। मेरा दिल ये बाबा बस ओ मेरे माँ जी बन जाओ, मेरी नाव चला जाओ, बेटे को बाबा शाम तुम गले लगा जाओ। सारे कह दो हारा हूँ बाबा हाँ जीतूंगा एक दिन। कौन कौन हार कर आया है
और उसको भरोसा है कि मैं जीत कर जाऊंगा। आओ जरा इस भजन में तो हाथ उठाना पड़ेगा, जो जितने लंबे हाथ उठाएगा तरक्की में उतना जल्दी ऊपर जाएगा। जितनी माताएं बहनें, सर्दी लग रही है ताली बजाओ, गर्मी लगने लग जाएगी सेवा में, कहना बोलो हारा हूँ बाबा पर तुझ पे भरोसा है, जीतूंगा एक दिन मेरा दिल ये कहता। हारा हूँ बाबा पर तुझ पे भरोसा है, अरे जीतूंगा एक दिन मेरा दिल ये कहता है। ओ मेरे माँ जी बन जा, मेरी नाव चला, और बाबा और अरे जीतूंगा एक दिन, ओ हारा हूँ बाबा पर तुझ पे भरोसा है, अरे जीतूंगा एक दिन मेरा दिल ये कहता है। अच्छा सच में दिल कहता है तो हाथ उठाना, अगर मेरे कहने पे हाथ उठाओ कि काम नहीं बनेगा, अपने दिल से हाथ उठाओ, सिर के ऊपर ताली बजाओ, ये शीश काट के मेरे चरणों में दान कर दो तो मानू कि तुम बड़े योद्धा हो।
बर्बरिक ने सोचा, एक सेकंड नहीं सोचा और शीश काटा, गोविंद के चरणों में रख दिया। बोलो शीश के दानी की जय हो। गोविंद खुश हो गए। कृष्ण भगवान ने बोला, हे बर्बरिक, तू कलयुग में मेरे नाम से जाना जाएगा। बोलो श्याम प्यारे की। जैसे जैसे कलयुग बढ़ता जाएगा, तेरा प्रभाव कलयुग में बढ़ता जाएगा। बोलो हारे के सहारे की। जो हार कर आएगा वो कभी खाली हाथ नहीं जाएगा। आज तक नहीं हुआ, बाबा को वरदान है। अब ताली बजाओ, सारे बजाओ ताली। मैंने सुना है तू टुकड़े मिटाता, बिन बोले भक्तों की बिगड़ी बनाता। बिन बोले भक्तों की बिगड़ी बनाता। मैंने सुना है तू टुकड़े मिटाता, बिन बोले भक्तों की बिगड़ी बनाता। बिन बोले भक्तों की बिगड़ी बनाता। ताली बजाओ, बजाओ ताली। कहना मेरे साथ में, मिलता न किनारा है न कोई और सहारा है। मिलता न किनारा है न कोई और सहारा है। आ रहा हूँ बुलंद आवाज में, अर जीतूंगा। क्योंकि हारे का सहारा बाबा श्याम, हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। कहना मिलकर बोलो हारे हारे हारे, तुम हारे के सहारे श्याम। हारे हारे हारे, तुम हारे के सहारे। जय हो ओ बाबा, बोलो श्याम। Thank you.
हो रहा होगा तो ये जितने समिति वाले और जितने भाइयाँ होंगे उनसे रहा नहीं जा रहा होगा, कब कीर्तन हो, कब हम भजन सुनाए, कब बाबा का जोत आए और कब हम कीर्तन में आनंद लें। जो जो इसको अपना बाप मानता है और खुद को इनका बच्चा मानता है वो मेरे साथ कहना क्या, मेरी अखियां करे इंतजार सांवरे, अखियां करे इंतजार सांवरे, पलकों का घर तैयार सांवरे, ओ मेरी पलकों का पूछे कि तू खाटू क्यों नहीं आता, मुझे खंडार में क्यों बुला लिया। बाबा पूछ सकता है सपने में आके, इतनी मेहनत करी, इतनी जिद करी, हर कोई नहीं बुला सकता। आप लोग किस्मत वाले हो, किस्मत वाले मानते हो ताली बजाओ, कौन कौन किस्मत वाला मानता है, सिर्फ वो ताली बजाना। ये खंडार वाले किस्मत वाले बाबा आया आपके गाँव में। मैं जब आई मुझे लगा पता नहीं शाम प्रेमी होंगे नहीं होंगे, लेकिन अनुष्का ऐसे शाम प्रेमी बहुत कम देखने को मिलते हैं। बिल्कुल, ये शाम प्रेमी कहते हैं बाबा हमने आपको खंडार इसलिए बुलाया क्योंकि अरे खाटू में तो भीड़ बहुत है, नंबर नहीं है लगता, खाटू में तो भीड़ बहुत है, नंबर नहीं है लगता। ओ बाबा, खाटू में तो भीड़ बहुत है, नंबर नहीं है बाबा, अरे खाटू में तो भीड़ बहुत है, नंबर नहीं है लगता, अरे जी भर कर हम देख न पाते जब भी बर कर हम देख न पाते जब भी बाबा सजता। बाबा आज खंडार बुलाया है जिद करके, आज इतने सुंदर लग रहे हो, आज जी भर कर देखूंगा। आओ जरा उठाओ, बजाओ ताली, सीधे सीधे हाथ उठाओ, जी भर कर करूंगा दीदार सांवरे, जी भर कर करूंगा दीदार सांवरे, कहना और पलकों का गए तैयार सांवरे, मेरी पलकों